हेलो फ्रेंड्स मैं हूं स्नेहा वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड चाइल्ड क्लास फोर एडमिशन टेस्ट के लिए ये मेरा तीसरा वीडियो है जिसमें मैं शेयर कर रही हूं इंग्लिश का एक सैम्पल टेस्ट पेपर जिसमें एक वर्कशीट आपके लिए तैयार की हूं जिसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का एडमिशन टेस्ट में इंग्लिश का टेस्ट पेपर बच्चों को दिया जाता है क्लास फोर एडमिशन टेस्ट के लिए तीन सब्जेक्ट का एग्जाम होता है इंग्लिश हिंदी और मैथ्स मैथ्स और हिंदी का सैंपल टेस्ट पेपर मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा किसी भी स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट हो उसमें तीन चीजें जरूर आती हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज राइटिंग और ग्रामर और ग्रामर का डिफिकल्टी लेवल ग्रामर के टॉपिक्स और डिफिकल्टी लेवल वही होंगे जो क्लास थ्री में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो किसी भी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हो जो भी ग्रामर से रिलेटेड उनकी बुक चल रही है उससे भी आप अपने बच्चों की तैयारी करवा सकते हैं और उसी बुक से एक वर्कशीट सैंपल टेस्ट पेपर के रूप में तैयार करके बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं अन रहे जब भी वर्कशीट आप दे बच्चों को कहे कि वो वर्कशीट उनको एक से डेढ़ घंटे के बीच में ही पूरा करना है तभी आपको पता चल पाएगा कि बच्चे का कॉन्सेप्ट किसी टॉपिक को लेकर कितना क्लियर है और गिवन टाइम फ्रेम में किस तरह से बच्चा क्वेश्चन का सिलेक्शन करता है और कितना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाता है चलिए देखते हैं क्लास फोर का इंग्लिश का सैंपल टेस्ट पेपर ये सैंपल टेस्ट पेपर मैंने बनाया है पच्चीस मार्क्स का और हर एक क्वेश्चन के सामने मार्क्स लिखे हुए हैं पहला क्वेश्चन है रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन ये कॉम्प्रिहेंशन है जिसमें एक पैसेज दिया हुआ है और उस पैसेज से रिलेटेड कुछ सवाल नीचे दिए गए हैं जिसका आंसर बच्चों को लिखना है शन में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं फिल इन फिलिंदी ब्लैंक्स हो सकते हैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं इस वर्कशीट में दिए गए पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है ए व्हाट वुड बी अ गुड टाइटल ऑफ द स्टोरी क्वेश्चन नंबर बी शुड राहुल हैव हिज लाइक राजू डिड व्हाई और व्हाई नॉट व्हाट इज द मोरल ऑफ स्टोरी ये तीनों क्वेश्चन एक एक मार्क्स का है और टोटल मार्क्स बनेगा तीन क्वेश्चन नंबर टू है लुक एट द पिक्चर बिलो डिमाइंड यू ऑफ राइट एटलीस्टेन लाइन्स ऑन दिस फेस्टिवल पिक्चर में आप देख सकते हैं एक बच्चा है जिसने पिचकारी हुई है और वो रंग से खेल रहा है तो इस पिक्चर को देख के पता चल जाता है कि ये पिक्चर होली फेस्टिवल को दर्शा रहा है तो होली फेस्टिवल पे बच्चों को दस लाइन लिखना है ये भी तीन मार्क्स का सवाल था अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे वो भी तीन मार्क्स का सवाल है चेंज द जेंडर ऑफ द गिवेन नाउन कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं और उनके जेंडर को बदलना है अगर वो मैस्कुलिन है यानी पुलिंग है तो उसे फेमिनिन में बदलना है स्ट्रिलिंग में बदलना है। अगर वर्ड फेमिनिन है तो उसे मैस्कुलिन में बदलना है नेफ्यू का होगा नीस वेटर का वेट्रेस डक का ड्रेक फॉक्स का विक्सन पीहेन का पीकॉक पोएट का पोएटस क्वेश्चन नंबर फोर राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स जो वर्ड्स दिए गए हैं उसे प्लूरल फॉर्म में चेंज करके लिखना है दो मार्क्स का सवाल है और चार क्वेश्चन दिए गए हैं ए का होगा वॉलकेनोस पिलो पिलोस वीडियो वीडियोस लेडी लेडीज क्वेश्चंस के आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा आप उसे चेक कर सकते हैं तो ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स दो मार्क्स का सवाल है आर्टिकल्स क्या होते हैं ए एन द इन तीनों में से कौन सा आर्टिकल गिवन सेंटेंस में फिट बैठेगा उसे बच्चों को समझ कर लिखना है क्वेश्चन नंबर ए है वन ऑफ द स्टूडेंट सेट डैश टीचर इज लेट टूडे तो आंसर होगा लेट टू वी टॉक फॉर डैश आर सिटिंग अंडर अ ट्री आंसर होगा वी टॉक्ट फॉर एन आर सिटिंग अंडर अ ट्री क्वेश्चन नंबर सी आई बोरो पेंसिल फ्रॉम माई फ्रेंड आंसर होगा पेंसिल फ्रॉम माई फ्रेंड क्वेश्चन नंबर डी डैश सन राइज इन द सन राइजेस इन द ईस्ट की चीज जो दुनिया में केवल एक ही है उसके साथ द का कर यूज करते हैं इसलिए यहां पर द का यूज होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड एड्जेक्टिव राइट दैम इन द गि स्पेस कुछ एड्जेक्टिव वर्ड्स दिए गए हैं जिसकी स्पेलिंग्स को उलट पुलट कर दिया गया है और बच्चों को इस जम्बल लेटर्स को अरेंज करके मीनिंगफुल एडजेक्टिव वर्ड्स कौन सा है वो पहचानना है जैसे क्वेश्चन नंबर ए आर ए बी ई तो आंसर होगा ब्रेव बी आर ए वी क्वेश्चन नंबर बी एल डी सी ओ तो आंसर होगा सी ओ एल डी कोल्ड क्वेश्चन नंबर सी एल एल आई टी एन आई ई जी एन टी तो आंसर होगा इंटेलिजेंट क्वेश्चन नंबर डी ई एल यू एफ तो आंसर होगा ब्यूटिफुल बी ए यू टी आई एफ यू एल क्वेश्चन नंबर सेवन है कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसिस बाई चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट दो मार्क्स का सवाल है इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं जो करेक्ट ऑप्शन है उसे चूज करके गिवन ब्लैंक में लिखना है क्वेश्चन नंबर ए माई फादर डैश अकार माई फादर ज अ कार माई सिस्टर लाइक्स टी डैश आई प्रीफर कॉफी एंड होगा या बट होगा आंसर होगा माई सिस्टर लाइक्स टी बट आई प्रीफर कॉफी मेरी बहन को चाय पसंद है लेकिन मुझे कॉफी पसंद है या ऑन होगा आंसर होगा इन द चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन दूल इट डैश वेरी कोल्ड ये वॉज होगा या वेयर होगा क्योंकि यहाँ पे पास टेंस है इसलिए आंसर होगा It was very cold yesterday. Question number eight. Read the sentences and circle the suitable words. द तो marks का सवाल है Please be dash quiet. क्वाइट के दो स्पेलिंग्स अलग अलग हैं. पहचानना है कि कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है और उसे लिखना है प्लीज बी क्वाइट तो क्वाइट का स्पेलिंग होगा क्यू यू आई ई टी क्वेश्चन नंबर बी My शर्ट इज डैश प्लीज टाइटन इट लूज होगा तो लूज के स्पेलिंग कौन सी होगी एल डब्लॉट समू बेक अक फ्लार आंसर है एफ एल ओ यू आर क्वेश्चन नंबर ई विल यू डैश अर ग्रैंड मदर विल यू राइट अटर टू योर ग्रांड मदर तो राइट की स्पेलिंग आर आई जी एच टी होगा या फिर डब्ल्यू आर आई टी आंसर इज डब्लू आर आई टी क्वेश्चन नंबर नाइन राइट द एंटो ऑफ द अंडरलाइन वर्ड दो मार्क्स का सवाल है एंटो ने मतलब उसके अपोजिट मतलब क्या होगा आई एम वेरी हैप्पी टूडे तो हैप्पी का होगा इज वेरी एक्सपेंसिव द बैग इज वेरी चीप माई डॉग इज वेरी फैट माई डॉग इज वेरी थिन दिस पिलो फील्स वेरी सॉफ्ट री हार्ड इस क्वेश्चन में अंडरलाइन वर्ड का अपोजिट वर्ड यूज करके सेंटेंस को रीराइट करना है फिर से लिखना है क्वेश्चन टेन है सर्कल द एब्जेक्टिव इन ईच सेंटेंटेंस दिया हुआ है उसमें जो एडजेक्टिव है उसे अंडरलाइन करना है ये दो मार्क्स का सवाल है क्वेश्चन नंबर ए माई मदर इज वेरी केयरिंग तो एब्जेक्टिव क्या होता है वैसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए उसे क्वालिफाई करे तो आंसर होगा केयरिंग क्योंकि ये मदर की विशेषता बतला रहा है कि मदर बहुत केयरिंग है तो केयरिंग एडजेक्टिव है इसे अंडरलाइन करना है क्वेश्चन नंबर बी फोर बटरफ्लाई सैट ऑन द फ्लार बटरफ्लाई के बारे में क्या कहा जा रहा है कि चार बटरफ्लाई तो आंसर यहाँ पर एडजेक्टिव वाला होगा फोर क्वेश्चन नंबर सी हाउ डू माई न्यू ड्रेस लुक तो यहां पर ड्रेस की बात की जा रही है ड्रेस कैसा है नया तो आंसर होगा न्यू देयर इज अक्वेरल ऑन आर फ्रंट पोर्च तो इस क्वेश्चन में एडजेक्टिव है फ्रंट ये था क्लास फोर में एडमिशन के लिए इंग्लिश का एक सैम्पल टेस्ट पेपर इस वीडियो में जो वर्कशीट मैंने आपको दिखाई है उसका पीडीएफ आप मुझसे ईमेल करके ले सकते हैं मेल करना होगा आपको स्नेहा स्मृति सेठी टू थाउजेंड नाइनटीन पर मेरे चैनल पे क्लास प्रेप से लेकर क्लास ट्वेल्व तक के एडमिशन से संबंधित बहुत सारे यूजफुल वर्कशीट है बहुत सारे यूजफुल वीडियोज हैं अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, तो उसे आप जरूर देखें। उस प्ले का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है वीडियो काम की लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो